भांग मांगे खट्टा मीठा गांजा मांगे घी
और दारू मांगे चप्पल जूता चाहे जाए, शराबी चाहे जितना नशे में हो, दो चार लाख घूसा पड़ जाए सदा उसकी उड़ जाती है। हालत तुम्हारी हुई है तो हम नशे में हो गया ना, हमारी आँखी बड़ी बड़ी भू है तेरी बड़ी, और तुम्हारे चूतर घोड़े पकड़ा दे। ऐसा करो, तुम तो हमारे रिश्ते में साले लगते हो, चलो बिस्तर लगाओ, आज हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बिस्तर लगाई हमारे संग माइया है या करी, अब हम तुम्हारे साले और तुम हो हमारे खाले। साले एक से एक पॉइंट लाते हो, मार के छोड़ो, चलो तो बहुत अच्छा बच्चे भाई, बिस्तर लगाओ, आज आप छपराइन का काम तुम्हारे साथ करेंगे। सुनियो सुनियो, वो समय बात है, ठीक है, ये मैं हमारे कुमार बनी नहीं, जो तुम सोचते हो वो आदत है हमारे भाई में। अच्छा, और जो भाई तो हम तुम जानते नहीं हो। बोले भाई चलो छोड़े इन बातों को, हंसी मजाक तो होती रहेगी। अब काम के बाद सुनो, बोलो हमारे पिताजी ठाकुर दिग्विजय सिंह 3 महीने के लिए गए हैं तीर्थ यात्रा के लिए। हाँ, वो तो इलाहाबाद गए हो, तो जानता है कि जब पिताजी रहते हैं अरेली पर, तो हमारा कोई काम नहीं होता है। सही बात, काम तुम्हारा कोई बनन नहीं पाओ। सही कहना है, आज बहुत अच्छा मौका है, 3 महीने के बाद हमारे पिताजी आएंगे। इससे पहले चलो चलते हैं पर जागीर की तरफ, अपना पैसा और लगान वसूल करते हैं। सब एक एक ले लो, ना जाने कितना पैसा गरीबों पर हमला पड़ा है, लेकिन सारे देने का नाम नहीं लेते हैं। जब तक पिता दिए आएंगे, तब तक हम ऐसी दहशत रियासत में फैला देंगे कि ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह का नाम सुनकर लोग कांप उठेंगे। जागीर की तरफ चलने की तैयारी करो, वहां पर कोई अच्छे लौकिया भी ढूंढेंगे। कहते हैं पहले दूर रहो, दूर रहबा, कोई बात हम नहीं कहते, और ना कोई बात तुम पहले फिर हाथ चलाओगे, फिर अपना मुंह धोधर बराबर कर दोगे। हम जानते हैं वो धोधर हम नहीं बराबर करबा, जब बराबर हो तो अपने मन तो बराबर हो जाए, हम नहीं बराबर, अपनी बकचोदी बंद कराओ। चलो हुआ कितना, चलो सही बात है, किन जानते हो बस्ती जगीर में यहाँ बहुत लफाड़े हैं, और घर में अकेले छोड़ जाए तो बात ठीक है। मगर एक बार भैया सुनो, जो पहले ठाकुर रहे उनको तीर्थ यात्रा में ले चले गए हैं, और हमका जरूरत रहा है कुछ पैसे के, पैसे की जरूरत है। हाँ, ऐसा कौन काम पड़ेगा यार भैया, गरीबी जलते हो, कोई ना कोई काम लगे जाते हो, पीछे दबके देखा हो रहे, 1000 रुपया तो लाए टिकट और कोई साल हो गया, पीछे पीछे आ जाए, यहाँ आ जाए, इतने आ जाओ, परेशानी थोड़ा रहा है तो कह गया 100-200 रुपया और ले लीजिए। अरे का बतावा जाए भैया, पहले सूखम फसल चली गई और बाढ़ हम चली गए, सोचे रहा कि मना दे पाए तो दे दी। यार भैया साहब से यार चलो भैया, देखो इसे क्या घर में खाए खाए रहे पैसा दे रही, बड़ी परेशानी है ये, तो क्या तुम ना जाए
3000 तो बड़े बहुत रुपया तो यार तू भैया हम 1000 रुपया ले गए 5-2 साल में अब 1100 तो 3000 लिया भाई जाओ ठीक है तुम्हारे भाई नहीं आए 1100 ले लिए तू वैसे ये रकम नहीं है भैया अब तुम लाए रहा भाई बहुत खराब जमाना चल रहा है बड़ी मुश्किल से सारे कौन लोग भैया बेसारो सर लाए को तो जानवर सब खाए जाते उनका बचाव मिल गया अगर इंतजाम करो तो 1000-2000 रुपया अरे यार भैया सब कल्याण में घूमती हैरान के लिए वाली बात नहीं आ रही है तो मैं उल्टा फिर पकड़ के ऊपर लू नहीं गया हूँ अरे नौकर तो वहां उलते हमको छो मसाला पता नहीं कितने दिन से नहाए नहीं हो तो हमको छो रहे हो मसालो अरे नहीं ठाकुर साहब हाँ देखो खेती बाड़ी भी है काम धंधा भी है ठाकुर साहब कहा इससे ठंडक चल रही है कहाँ नहाए सही कहते हैं ये बताओ अरे तुम ऊपर शादी हो गई हाँ वाली शादी हो गई अच्छा ठीक है जाओ ये बताओ मालिक 3000 अरे मालिक आ गई पिछले साल में बाढ़ में आ चले गए फसल आज के में सूखम चले गए शादी में पैसा कितना लगा था अरे कम से कम रुपया ला के रहा है 60-70 हजार 60-70 हजार कहाँ से लाए अरे मालिक खेत दे बिगा दे ले रहा हूँ ओ अच्छा हाँ सही कह रहे हैं 30000 रुपये बिगे हैं हमारे पिताजी ने लिए अच्छा करो और तुमको कितना है 1100 तुम पर मालिक नाराज ना हो कहीं हाँ बोलो रुपया तो 1000 ला रहा हूँ 2 साल हो गए अच्छा तो सोचे रहा है किस्तों 200 मालिक और मैं लेती हूँ इसे बहुत परेशानी वो कहावत कहते हैं कि आए थे नमाज पढ़ने और गले पड़ गए रोजे हम अपना पैसा लेने आए थे तुम अगर दे दो और तो 200 मांग रहे हो तुमको जितना है बेसार 5 लाए रहा मालिक तो गेहूँ लाए तो सब सारे चलिए ठाकुर भैया हमें तो क्या मजबूरी है कि हमका बेसहारा ही उठाऊंगा साग अगर तुम्हारी फसल चल गया तो जाओ मोदी को पकड़ लो हमको जिम्मेदार है कहा हम कोई तुम्हारी मुसीबत बार धोखा और ये दान जो इधर उधर घूम रहे तुम्हारी फसल चल जाते हैं हम इसके जिम्मेदार नहीं है हमारा पैसा आज इसी वक्त चाहिए ठाकुर भैया तुम लोगों से ठाकुर साहब राका के भाई हैं ठाकुर साहब देखो जब हम आपके वहां पैसा लेने के लिए गए थे तो आपने कहा था पैसा लिए जा रहे हो अगर हो सके तो दे देगा अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं हो पाएगा तो मत देना ये हम कहे थे हम वादा किए थे आपने वादा किया था माता चलो जिस तरह से डाकू लोग तिजोरी के ताले तोड़ते हैं उस तरह से ठाकुर देवेंद्र प्रताप सिंह अपने वादे तोड़ता है तो हमारे पिताजी बैठे थे इसीलिए हम हाँ कर लिए थे वरना हम सारे पैसा माफ कर देंगे तुम लोगों का है ना पैसा लाओ नहीं है